नवीन जिंदल मैं दोनों बाहर थे, हमने तो फॉर्म ही 2 घंटे पहले भरा और दोनों को टिकट दे दी। जिस जो टिकट देने वाले वो देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं और बहन जी तो नए आए हैं अभी, हमें तो थोड़ा आपको सिखाना भी पड़ेगा, चलाना भी पड़ेगा। हिंदुस्तान में सबसे मैं कहूँ तो ये बुरा नहीं माने अमीर महिला है। अमीर महिला का दूसरा अनुवाद है कि सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स देते हैं, जैसे हम देश में। तो मैं भरोसा दिलाता हूँ कि अगर अगर 9वीं 10वीं क्लास भी बढ़िया करी है तो फिर कॉलेज में भी बढ़िया करूँगा। आपकी क्लास जो होगी उसमें भी मैं अच्छे रिजल्ट दूंगा, बढ़िया डिलीवरी दूंगा। चुनाव तो मोदी साहब का है, लोगों ने अपने हाथों में ले रखा है। हम तो एक सिम्बॉलिक करेक्टर है जो आपके बीच में नमस्ते करते घूम रहे हैं, लोगों का मन में। आप सभी को मालूम है कि चुनाव आ गया है और चुनाव में मैं अपने परिवार के बीच में, क्योंकि हिसार मेरा परिवार है, आप सब मेरे परिवार के सदस्य हैं, मैं आप सब से जो हिसार के प्रत्याशी हैं रंजीत सिंह जी, उनके लिए आपसे वोट की अपील करने के लिए आई। हमारे बीच में चौधरी रंजीत सिंह जी आए हैं और नरेंद्र मोदी ने अपना दूत बनाकर कमल का फूल उनके हाथ में देकर भेजा है। सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं, अपने घर की रौनक में 4 चांद लगाएं, थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। संपर्क करें 1-800-212-3494 पर। जहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है, जहाँ तक देश की आन बान और शान की बात है, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे वो 3 तलाक हो, और चाहे वे रूस और यूक्रेन के युद्ध में भारतीय लोगों को निकाल कर लाने की बात हो, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, किसी की भी बात हो, और ऐसे ऐसे काम किए जो पिछले 70 वर्षों में नहीं हुए। मैं इस मौके पर 25 मई को जो आने वाला लोकसभा का चुनाव है उसमें आप सबसे ये अपील करता हूं कि सुबह उठकर नहा धोकर अपने देवी देवताओं को मनाकर और बूथ पर पहुंचकर कमल का बटन दबाएं और चौधरी रंजीत सिंह जी को यहां का भारी बहुमत से जिताएं, ताकि नरेंद्र मोदी तीसरी दफा फिर से इस भारतवर्ष की कमान संभालें। आपका बहुत हमारे बहन जी बैठे हैं, सबसे बड़े आदरणीय हिंदुस्तान में सबसे मैं कहूँ तो ये बुरा नहीं माने अमीर महिला है। अमीर महिला का दूसरा अनुवाद है कि सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स देते हैं, जैसे हम देश मजबूत हो रहा है, इनकम टैक्स पे भी सबसे बड़े हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इनके करके मैं देख रहा हूँ, डॉक्टर गुप्ता जी, कमल गुप्ता जी हमारे बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर, हर तरीके से मतलब हर मैं आज देख रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टी का संगठन में तो गजब लाजवाब काम करा हुआ है। तो मैं बहन जी तो नए आए हैं अभी, हमें तो थोड़ा आपको सिखाना भी पड़ेगा, चलाना भी पड़ेगा। पर मैं ये समझता हूँ कि एक हमारे फीडर इन कैद कहते हैं कि हमें इस बात का हमारा सौभाग्य है कि नवीन जिंदल मैं दोनों बाहर थे, हमने तो फॉर्म ही 2 घंटे पहले भरा और दोनों को टिकट दे दी। जिस जो टिकट देने वाले हैं वो देश के प्रधानमंत्री हैं। 145 करोड़ में प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी, नड्डा साहब, माननीय मनोहर लाल जी, 4 आदमियों के बिना जानकारी तो टिकट नहीं होती। जब 400 टिकटें देंगे तो वो मोदी साहब की भी निगाह में होती है। उन्होंने अगर हम दोनों को चुनाए, मुझे और नवीन जिंदल को, तो ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। एक मौका देंगे, मैं समझ रहा हूँ कि चुनाव तो मोदी साहब का है, लोगों ने अपने हाथों में ले रखा है। हम तो एक सिम्बॉलिक करेक्टर है जो आपके बीच में नमस्ते करते घूम रहे हैं, लोगों का मन में। और मैं पावर डिपार्टमेंट मेरे पे था, आधा मिनट इस पर लगाऊंगा। हम मेरी दोनों कंपनी है जो बिजली DH और UH जो बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन करती है, दोनों A1 है, मतलब A+ आई है। ये गुजरात के बाद हम पूरे देश में नंबर 2 है। और ये सोलर कंजर्वेशन के मामले में कर्नाटक के बाद मैं राष्ट्रपति से मुझे सम्मानित हुआ, ये पहली बार हुआ है। ये हमारा अगला विभाग मेरे पास जेल है,
जेल में परसों हाई कोर्ट की जजमेंट पढ़ी आपने कि पंजाब गवर्नमेंट को लता रहा है कि तुम्हारे मोबाइल और अंदर गैंगस्टर ये जो हो रहा है तुम्हारा फेल हो रहा है सिस्टम, तुम हरियाणा वाले सोची को देखो पता नहीं हिलता कैसे है। तो मैं भरोसा दिलाता हूँ कि अगर अगर नवी दसवीं क्लास भी बढ़िया करी है तो फिर कॉलेज में भी बढ़िया करूँगा, आपकी क्लास में इतने दिन मैं अच्छे रिजल्ट दूंगा, बढ़िया डिलीवरी दूंगा। हमारे यहाँ जो बंद है एयरपोर्ट, आजकल गुप्ता जी उसके इंचार्ज हैं, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया इस काम को करें, हम तो ताली बजाते हैं जब अच्छा काम कर देते हैं। उस पूरे देश में विश्व का, पूरे देश का नहीं विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हमारे पास है, 7500 एकड़ जमीन है। दिल्ली का और जयपुर एयरपोर्ट जो है वो 5500 एकड़ में है। आजकल इंटरनेशनल कनेक्टिविटी एयरपोर्ट के पीछे चल रही है और जिस दिन ये एयरपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा मैं समझता हूँ कि दिल्ली के बाद नॉर्दर्न इंडिया में सबसे बड़ा शहर आपका हिस्सा है। बहुत इंसिडेंटल डेवलपमेंट्स बहुत होंगी, जब ऐसे होता है तो उसमें बहुत चीज़ें आती हैं, कार्गोज भी आएंगे, बाहर के इंफ्रास्ट्रक्चर रोड नए बनेंगे। तो हिसार तो मैं कहता हूँ जी अंदाज है नहीं, गुड़गांव में जो लैंड है उससे भी ज़्यादा आपके शहर की कीमत हो जाएगी होगा। ज़्यादा लंबा नहीं कह के आपका धन्यवाद करूँगा। आप सब लोग हमारी बड़ी बहन सावित्री जी को सुनना चाह रहे हैं, कई दिन में ये आए हैं तो मैं तो खाली एक कैंडिडेट होने के नाते हाथ जोड़ रहा हूँ कि एक एक वोट का मल के फूट में लगाए ताकि जो देश सोच रहे हैं, जो देश के हम लोगों की जो एक सोच है कि मोदी जी की 400 सीटें हैं उनके हाथों में कमल के फूल थे मोर लगा के कामयाब करें। आपका बहुत धन्यवाद। आप सभी को मालूम है कि चुनाव आ गया है और चुनाव में मैं अपने परिवार के बीच में, क्योंकि हिसार मेरा परिवार है, आपसे मेरे परिवार के सदस्य हैं, मैं आप सबसे जो हिसार के प्रत्याशी हैं रंजीत सिंह जी उनके लिए आपसे वोट की अपील करने के लिए आई हूँ, क्योंकि कोई भी बात होती है बाद में अपने परिवार के बीच में ही जाता है और अपने परिवार से ही मदद की मांग करता है। तो आप लोग मेरा परिवार हैं तो आप लोगों से मैं चाहती हूँ कि आप लोग आने वाली 25 तारीख को, जिस दिन की 25 मई को वोट पड़ेंगे, तो आप लोग अपना एक एक वोट कमल के फूल के सामने वाले बटन को दबाकर दीजिए, जिससे कि हमारे हिसार से बीजेपी के प्रत्याशी रंजीत सिंह जी को हम लोग बहुत भारी बहुमत से जिता सकते हैं।